जोशीमठ भूत सांप को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सचिवालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के समक्ष जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पेश किया गया था। पैकेज में CPWD के तय किए गए मानकों के आधार पर भूमि मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा रेजिडेंशियल भवनों में लोड वेयरिंग भवनों को 31,081 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ ही RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को 36,386 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं कमर्शियल भवनों के लिए लोड वेयरिंग भवनों को 39,030 रुपये पर स्क्वायर मीटर और RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को 49,929 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेस के सामने भी उन्होंने बोला था कि CPWD की जो दरें हैं उस पर दे दी जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ही CPWD की दरों पर ये ओके हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया था माननीय मंत्रिमंडल को, उसमें सुझाव ये था कि इसमें GST और कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट भी सम्मिलित होता है CPWD के दरों में, तो वो दोनों कम कर दिया जाए। लेकिन माननीय मंत्रिमंडल ने उन दोनों को कम करने की बात को भी मना करते हुए उन्होंने CPWD रेट को ACTs करने के लिए निर्देश दिया है। रेजिडेंशियल का रेजिडेंशियल दो तरह की बिल्डिंग हो सकती है, लोड बेयरिंग हो सकती है या RCC हो सकती है। लोड बेयरिंग होगा उसका 31,081 रुपया, तो ये मान के चले जिसका कि ईंटे का बना हुआ घर, उसमें बीम कॉलम नहीं है, तो उसका 31,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के दर से उसको दिया जाए।